बारिश वाला हुआ है यहाँ पर। मैं तो अपना छाता लाना ही भूल गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुंदर सर ब्लॉग्स। आज मैं जा रहा हूँ अपना GIC अकाउंट खुलवाने फाइनली, और एक दो काम हो रहे हैं जैसे कि एक दो एजेंसी में अप्लाई करना है जॉब के लिए, तो मैं बताऊंगा आपको सारा GIC का प्रोसेस आज। तो चलिए चलते हैं, लेकर चलता हूँ आपको। तो अभी मैं हूँ बस स्टैंड पर और यहाँ बस आने वाली है मेरी जो लेके जाएगी मुझे एजेंसी। पहले मैं एजेंसी जाऊँगा और मौसम देखिए, यहाँ पर मौसम बारिश वाला हुआ है। यहाँ पर एक मिनट में बारिश आ जाती है, दूसरे मिनट में फिर से धूप निकल जाती है। मैं तो अपना छाता लाना ही भूल गया, घर पर रखा हुआ है। अब देखते हैं बारिश आएगी तो करते हैं कुछ ना कुछ। ये देखो जैसे कहा था भाई, अभी कुछ देर पहले बारिश थी और अभी कैसे तेज धूप निकल रही है। ऐसा ही है इधर तो बस। अपना एजेंसी का काम हो चुका है दोस्तों, रजिस्टर करवा दिया है, एक दो एजेंसी में करवा दिया है। अभी देखते हैं क्या जॉब का सीन है, पर अभी चलते हैं हम ICIC बैंक, वहाँ पर अकाउंट खुलवाने अपना GIC का। तो आगे का सब बताते हैं, बस की वेट कर रहा हूँ फिर से, चलो देखते हैं। A few moments later। तो भाई वहाँ पर टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला, तो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ सबके कैसे GIC का प्रोसेस था, क्या था। तो जब मैं ICIC बैंक में गया तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे ऑलरेडी अपना GIC अकाउंट एक्टिवेट करवाने के लिए, हमेशा ही होते हैं। तो उन्होंने मुझे एक पेज दिया और दो तीन रिक्वायरमेंट्स थी उसमें कि ये सब करना है, और एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा उनका ICIC बैंक का। जैसे मैंने ऐप डाउनलोड किया तो उसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स थे, जैसे कि पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करना और स्टडी परमिट की कॉपी अपलोड करना। ये सब करने के बाद जब डन हो गया तो उन्होंने मुझे RBC बैंक में जाने के लिए कहा। RBC बैंक यानी रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, तो वो उनका मेन ब्रांच था। तो जब वहाँ पर गए, वहाँ पर भी शूट करने का मौका नहीं मिला। एक दो वीडियो क्लिप्स मैंने शूट की, जैसे कि एंट्रेंस की और वेटिंग एरिया की। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद जब उन्होंने अंदर बुलाया तो वहाँ पर एक स्पेशल मैडम आई हुई थी जो सिर्फ बच्चों की हेल्प करने के लिए थी। तो उन्होंने, जब मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझसे दो तीन सवाल पूछे और मेरा अकाउंट एक्टिवेशन के बारे में पूछा। मैंने कहा अकाउंट एक्टिवेट मैंने करवा लिया ICIC बैंक से जाके, आप सिर्फ मेरा GIC का ओपन कर दो। तो एक बात और, जो लोग अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं उनका सीधे ही RBC में हो जाता है, उनको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहने का मतलब है। तो मुझे तो ये पता नहीं था, तो अगर आप फ्यूचर में कभी जाओगे तो आप अपॉइंटमेंट ले लेना, आपको ICIC जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे ही RBC में चले जाओगे तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो बात करते हैं RBC की साइड में। तो उधर मैडम ने मुझसे दो तीन सवाल पूछे और मेरा अपने लैपटॉप पर मेरी ID लॉगिन कर दी। उन्होंने अपना ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जो था RBI मोबाइल बैंकिंग, और जो GIC होती है वो इसमें शो होती है। इसी ऐप से उन्होंने लॉगिन करवाया और बाद में मेरा क्रेडिट कार्ड भी इसी से अप्लाई किया। मेरा एड्रेस सब जानने के बाद उन्होंने कहा कि डेबिट कार्ड मेरा इसी एड्रेस पे आएगा दो से तीन दिन बाद, और GIC मेरी एक्टिवेट होगी 3 से 4 दिनों के बाद, यानी कि 3 से 4 दिनों के बीच बीच में। तो बस फिर उन्होंने 3-4 डॉक्यूमेंट्स और लिए, मेरे स्टडी परमिट वगैरह, SIN नंबर वगैरह, और कहा कि क्रेडिट कार्ड जो है वो ब्रांच में आएगा, वो ब्रांच का एड्रेस नीचे शो हो जाता है जहाँ पर हम करते हैं लॉगिन, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लेना। तो 15 से 20 दिन में आई थिंक क्रेडिट कार्ड आ जाता है, तो वहाँ ब्रांच से जाके कलेक्ट करना पड़ता है, मैं वो घर पर नहीं आता। तो बस यही सब किया उन्होंने मेन, तो बस हमें अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा बच जाए। अगर अपॉइंटमेंट नहीं भी ली तो भी कोई बात नहीं, जब मैंने भी नहीं ली थी, वो सब काम कर देते हैं अपना, और GIC एक्टिवेशन के बाद लगभग 3 से 4 दिनों में आ जाती है अपने अकाउंट में। फर्स्ट मंथ अप्रोक्सीमेटली $2000 आते हैं और बाद में 600 से 700 पर मंथ आते रहते हैं, वो डेट के हिसाब से फिक्स डेट होती है उसकी। और इसमें मेनली दो अकाउंट होते हैं, एक चेकिंग अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। जो GIC होती है वो आती है चेकिंग अकाउंट में, और जब हमें ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि $2000 आएंगे सबसे पहले, 2000 की 2000 तो हमें ज़रूरत नहीं होगी, तो उसको जितनी ज़रूरत है वो चेकिंग में रखें, बाकी को सेविंग में रख लें। सेविंग में रखने का क्या होता है कि इंटरेस्ट तो चलो नहीं आता, मतलब बहुत ही कम आता है,
ऐसा समझ लो कि नहीं आता, पर वो आता है कि पैसे एक साइड में रखे होते हैं, तो जब हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत है तो सेविंग से फिर हम चेकिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करके फिर खर्च कर सकते हैं। जिसकी जो पैसों की ज़रूरत नहीं है उसको हम सेविंग में रखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा, वो एक साइड में पड़े रहेंगे। बस मेन तो यही था, बाकी सब आप आओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा भाग दौड़ का काम है। बाकी आ जाना, अपॉइंटमेंट ले लेना, लोगे तो भी ठीक, नहीं लोगे तो भी ठीक, अकाउंट तो एक्टिवेट हो ही जाएगा अपना। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।